हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू सिक्योर योर प्राइवेट डेटा इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन जी हाँ गाइस तो सिक्योर करना अपने प्राइवेट डेटा को या एकदम इंपॉर्टेंट डेटा को अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ एंड इट्स सुपर ईजी वी नीड टू यूज़ ई एन बी वेरिएबल्स एंड आई थिंक मुझे लगता है आप में से बहुतों ने ऑलरेडी ई एन बी के बारे में सुना ही होगा इन्वॉयमेंट वेरिएबल्स तो इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं हाँ अगर आपको लग रहा है कि लाइक like, हाँ मुझे आता तो मैं पहले ही बता दूँ गाइस कि वीट में एंड अगर आप रिएक्ट के साथ काम कर रहे हो तो उसका एक अलग ही तरीका है ई फाइल्स के साथ काम करने का एल्स नोड के साथ अलग है रिएक्ट के साथ अलग है वेट के साथ अलग है सबका अपना अपना अलग फंडा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है एंड वीडियो एकदम स्वीट एंड सिंपल एंड शॉर्ट होने वाला है तो सबसे पहले ये तो अब आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ ई एन वी फाइल्स ई एन वी फाइल्स का हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने जो प्राइवेट या जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो पब्लिकली हम दिखाना नहीं चाहते उसको सिक्योर करने के लिए हम इस पर्टिकुलर इन्वायमेंट डॉट ई एन वी फाइल्स का हम यूज़ करते हैं यूज़ लेते हैं बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जहां से देखिएगा ये मेरे कल का वीडियो है एंड डिस्क्रिप्शन अगर आप ओपन करते हो तो मेरे सारे यूट्यूब की वीडियो सिर्फ टू फोर्टी नाइन रुपीज़ में आपको मिल जाएगा जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड साथ ही साथ एक्सेस रिएक्ट कोर्स इस पर अगर आप क्लिक करते हो मेरे इस वेबसाइट पे आ जाओगे जहाँ पे गिटहब का रेपो मैंने दे रखा है इसमें मैं अपडेट करूँगा बहुत सारी चीज़ें इसलिए चीज़ चीज़ उसका दिया हुआ है मैंने एंड अगर आप सोर्स पे आते हो यार वी हैव दिस ए ठीक है मेरे प्रीवियस वीडियो को याद हो एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर आप एक चीज़ देखना जरा ध्यान से एंड दिस इज द एक्चुअल कोड एक्चुअल ए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में बट एक गलती मैंने ये की हुई है यहाँ पे कि मैंने अपना जो एक्चुअल ए का की है वो मैंने पास कर दी है इसका मतलब ये कि अब जो भी कोई मेरे सोर्स कोड को एक्सेस करेगा वो अपना कभी ए की क्रिएट ही नहीं करेगा वो डायरेक्टली मेरे इस ए की के थ्रू ही काम कर रहा है तो इससे मुझे लॉस हो रहा है ना क्योंकि मुझे मालूम है मुझे दिन में सिर्फ ये लोग शायद हज़ार या पाँच या सिर्फ सौ रिक्वेस्ट फ्री देते होंगे वो तो मुझे अपने काम के लिए चाहिए लेकिन हो ये रहा कि मैंने सोर्स कोड एक तो मैं फ्री में दे रहा हूँ ऊपर से लोग जो ए पी की वो भी मेरा ही यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो अपना यूज़ करे तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ए की किसी को पता भी ना चले कि मैंने क्या यूज़ किया तो वहाँ पर अब इस पर्टिकुलर प्राइवेट ये तो मेरा अब एक सीक्रेट मेरा इंपॉर्टेंट एक प्राइवेट डेटा हो गया ना मुझे अब इसको क्या करना है दुनिया के से हाइड करना है दुनिया को नहीं दिखाना है तो यहाँ पे अब आपका ए पी आई काम आई मीन आपका इन्वायमेंट वेरिएबल्स काम आता है ठीक है so, सो देखिए कैसे तो अब मैंने ये भी कहा कि थोड़ा सा डिफरेंट है औरों और के मुकाबले आई मीन दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले क्योंकि वीट अपना एक चीज़ बोलता है देखो ये जो पर्टिकुलर लाइन है बोला है टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली लिकिंग न्यू वेरिएबल्स टू द क्लाइंट ओनली वेरिएबल प्रीफिक्सड विथ वीट एंड अंडरस्कोर तो कुछ भी हो जाए अब आप अगर वेट वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो देन आपको आपका जो भी ये सीक्रेट uh, की होगा ठीक है वेरिएबल का नाम आप जो भी क्रिएट करें उसके आगे आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा एंड दैट इज योर वेट एंड देन अंडरस्कोर ठीक है अगर आप इस तरीके से करते हो एंड देन आपका जो भी नाम हो इक्वल टू देना है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है एंड देन आपकी वैल्यू वैल्यू चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो uh, आपका बेसिकली नंबर्स हो जो भी हो इंटीजर्स हो इट डजेंट मैटर आपको ना डबल कोट ना सिंगल कोट कुछ भी यूज नहीं करना है वीट अंडर आपका जो भी वेरिएबल का नाम है एंड देन योर वैल्यू एंड यहाँ पे इन्होंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ है बट यहाँ पे इन्होंने वेट यूज़ नहीं किए अब ठीक है हमें अपना सिक्रेट कैसे क्रिएट करना है कौन से असाइनमेंट कौन से ऑपरेटर यूज हो रहे हैं डबल कोट यूज़ करना है यानी फॉर इंटीजर या स्ट्रिंग्स uh, uh, तो वो हमें पता चल गया अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा और मैं नीचे आता हूँ तो इसको यूज़ करने का भी तरीका इन्होंने बताया वह ध्यान से देखना ऑल राइट right, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है इसको इन्होंने जब यूज़ किया कैसे इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ई एन बी देखा वरना अगर आप नोट जेस यूज करते तो उसका तरीका अलग था एन बी डॉट प्रोसेस या प्रोसेस डॉट ई एन बी जो भी था बट यहाँ पे इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ई एन बी डॉट आपका वो पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम इस तरीके से आपको लिखना है तो आपको वन टू थ्री मिल रहा है जो कि ये वाली वैल्यू है वन टू थ्री बट वहीं अगर आप देखोगे ये लाइन में पर्टिकुलर इस लाइन में तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो लिखा तो बराबर है इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट टी एन बी डॉट डी बी एंड इसको पासवर्ड जो कि आपका ये है पर्टिकुलर इसको बट स्टिल यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है फू एंड देन बार अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू देखोगे क्या है वो अनडिफाइंड है तो ये अनडिफाइंड मिला बिकॉज इन्होंने वेट अंडर का प्रीफिक्स जो है यूज नहीं किया आई होप आप आपको पता चल गया क्रिएट कैसे करना है एंड उसको गेट कैसे करना है अपने एप्लीकेशन में ये दोनों आपको बस इतना याद रखना है ठीक है अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हम हमारे इस फाइल को कहाँ पे क्रिएट करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ये बहुत सारे लोग सोर्स फोल्डर के अंदर इसको क्रिएट करता है बट लेट मी टेल यू वन थिंग आपका ये जो डॉट ई फाइल है ये एकदम रूट फाइल होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का एकदम रूट वाला फाइल होना चाहिए मतलब आपका ये प्रोजेक्ट क्या है मेरा प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट अंडर इसको राउटो अंडर इसको वर्जन सिक्स तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो एकदम बॉटम पे मैंने डॉट ई एन एंड देन वी क्रिएट की आई नो आप आप लोग को दिख नहीं रहे क्योंकि मेरे इमेज के पीछे है वो बट डोंट वरी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये यह देख लीजिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मैंने ये देखो तो बेसिकली वीट डॉट कॉन्फिक डॉट जेस ये जिस पाथ पे है मेरा ये डॉट एन बी भी उसी पाथ पे है डॉट ई एन बी बट यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो डॉट ई एन बी ये अवसम awesome है ये फीचर <laughs> है ना देखो डॉट ई एन बी एंड देखो इवन ये गिट इग्नोर के साथ साथ है ये परफेक्ट नाउ ठीक है एंड मैंने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है जिसके चलते अब आप, आप देख भी नहीं पाओगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ठीक है फिलहाल आप भी देख पाओगे लेकिन द मोमेंट तो मैं ऑटो क्लॉकिंग कर दूंगा उसकी वैल्यू चली जाएगी ठीक है सो मेक श्योर कि आप ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही लिखो तो बीट अंडो एपीआई की लिख देता हूं एपीआई को की एंड आपको इक्वल टू देना है एंड अब आपकी जो भी एपीआई की होगी उसको कॉपी कीजिए यहां पे पेस्ट कर दीजिए ऑल राइट ये आप परफेक्ट ठीक है दिस इज इट डन तो अभी आपको वैल्यू दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑटो टॉगल ऑटो क्लॉकिंग ये भी एक extension है लेट me know इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपको इसके बारे में जानना है यानी तो बस खत्म अब कल के दिन अगर मैं यहाँ पे आया भी तो कोई मेरी वैल्यू को देख ही नहीं पाएगा अब चलो ये तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली अब इस जगह पे मैं इसको हटाऊँगा एंड वो क्या है एक वेरिएबल है राइट right? एंड ये तो एक स्ट्रिंग है जहाँ पर मैं डेटा को फैच कर रहा हूँ इनसाइड माई फैच ए वो एक स्ट्रिंग है एंड वहाँ अब उस स्ट्रिंग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख नहीं सकता एंड अब अगर मुझे उस कोड को लिखना है तो मैं क्या करूँगा मैं टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करूँगा ठीक है एंड अब बहुत ईजिली यहाँ पे मैं द मोमेंट डॉलर साइन यूज़ करता हूँ तो अब मैं इस डॉलर कलिब्रेसिस के अंदर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ एंड डैट इज इम्पोर्ट डॉट ई एन वी सॉरी नॉट ई एन बी डॉट मेटा डॉट ई एन वी सॉरी मेटा डॉट ई एन वी डॉट अब आपको वो पा, पार्ट लिखना है वीट ऑल आइट गए तो आप देख सकते हो इसको मैंने पेस्ट कर दी है कंटोलै सेव सुना होगा सब होगा ये कि ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं पूछ कर दूंगा ठीक है तो कंट्रोल कंटोलै सेव कर रहा हूँ एंड एक सेकेंड सेव करके भी क्या फायदा इसको पहले मैं रन कर लेता हूँ सो एन पी एम रन एंड देन डैब ठीक है तो ये ऑलराइट सॉरी एन पी एम रन एंड देन डेब आई थिंक ये कैपिटल में ले नहीं रहा था बट जो भी हो फाइव वन सेवन थ्री पे मेरा ये रन करेगा ठीक है फाइव वन सेवन थ्री पे मेरा ये रन कर रहा है सो लोकल होस्ट फाइव वन सेवन थ्री पे मैं चलता हूँ एंड कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है या परफेक्ट ठीक है सो हेर वी हैव अ मूवीज चलो हो गया मेरा काम हो गया ना मूवीज़ तो मुझे मिल ही रहा है अब बेस्ट पार्ट ये है कि मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक है देखो मैं क्या करने वाला हूँ गेट स्टेटस अभी जस्ट मैंने डॉट ई एन बी फाइल क्रिएट की एंड एक ये फ़ाइल जो है वो मॉडिफाइड हुआ ठीक है तो मैं ऐड कर देता हूँ मैं कमिट कर देता हूँ ई एन वी फाइल्स एडेड ठीक है एंड गेट पुश कर देता हूँ दिस इज इट तो सोर्स कोड अभी जो आज इस वीडियो का ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब एट दी एंड में ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है ध्यान से देखना ये क्या था ध्यान से देखिएगा ये कुछ ऐसा था ठीक है ऐसा था कुछ अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि डेटा तो मैं पुश कर चुका हूँ एंड बूम गाइस सी अब आप मुझे बताओ नाउ टेल मी वन थिंग किसको पता चलने वाला है यहाँ पे क्या था अब आप गाइस खुद एकदम अच्छे से देख सकते हो कि थोड़ी देर पहले जो मेरा की था वहाँ पर अब उसके बदले क्या आ गया इनपोट डॉट मेटा डॉट टी एन बी डॉट बी अंडर स्कोर ए पे अंडर स्कोर की बस ख़ ख़त तब मेरा काम हो गया अब कोई टेंशन ही नहीं है मुझे भाई यूज़ कर लो आप मेरा ये कोड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब कैसे भी करके आपके पास ये की तो होगा नहीं है ना तो कैसे ये था आज इस वीडियो का मेन मकसद कि कैसे आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा को सिक्योर कर सकते हो ऑनलाइन फ्रॉड थ्रेट्स या कुछ भी डेटा लीक होने से सो या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड ये मेरा कंप्लीट यूट्यूब uh, में जितने भी मेरे लैंग्वेजेस होंगे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए सबका सोर्स कोड सिर्फ टू फोर्टी नाइन है जरूर चेकआउट कीजिएगा सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए इवन मैं कमेंट भी करता हूँ फिलहाल कल सॉरी मैं भूल गया था बट uh, आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा ठीक है सो गाइस प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर किसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तो मिलते हैं कल के वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर